खबर रुड़की से है, जहां रुड़की की विधानसभा मंगलौर में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने रुड़की के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता की। बता दें कि आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद और प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने अपने पक्ष को मजबूती से रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पहले ही आग्रह किया है कि चुनाव पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कराया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव में कहीं पर भी निष्पक्षता नजर नहीं आई, इसलिए स्थानीय प्रशासन से लगातार यह मांग की जा रही है कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ हो। इसके तहत ही कांग्रेस ने चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। रुड़की से सलमान मलिक की रिपोर्ट। इसलिए करेंगे जिस तरीके की घटनाएं वर्तमान में यहाँ हो रही है उससे हम लोग आशंकित है। चुनाव कमीशन में कई बार प्रतिनिधिमंडल जाके अपनी शिकायतें करके आए, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। हरियाणा नंबर की, राजस्थान नंबर की गाड़ियां हर गाँव में घूम रही हैं, उनकी कोई जांच परख नहीं हो रही, उनको नहीं रोका जा रहा है और ये चिंता का विषय। और जिस तरीके के बयान भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स के उनके नेताओं के आ रहे हैं, जिसके वीडियोज भी जारी हो रहे हैं, निश्चित ही चिंता में डालने वाले हैं। वो के बावजूद भी चुनाव तो हम ही जीत रहे थे ना, काउंटिंग रोक करके इन्होंने वो किया था, लेकिन वो लोकल बॉडीज का इलेक्शन था, ये लोकल बॉडीज का इलेक्शन नहीं है। धांधली हो सकती है, इसीलिए हम लोग यहाँ इतनी उसके अंदर बैठे हुए हैं। अगर धांधली का अंदेशा ना होता तो यहाँ छह छह सांसद विधायक और पूरी पार्टी यहाँ ना बैठी हुई होती। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं रुड़की से संवाददाता सलमान मलिक जी। जी सलमान जी, आखिर ये जो मामला है ऐसा क्या हुआ है जो पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, इसके बारे में आप विस्तार से बताइए। जिस तरीके से रुड़की के मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव चल रहे हैं उसी को लेकर तमाम जो पार्टियां हैं उनके प्रत्याशी यहां पर चुनाव मैदान में है, तो वही बात की जाए तो जो कांग्रेस के जो पदाधिकारी है, जो उनका साफ तौर से आरोप है कि जो काजी निजामुद्दीन कांग्रेस के प्रत्याशी है उनको हराने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। भाजपा की तरफ से उनको जबरदस्ती यहाँ पर उनके साथ जो है, जो उनके समर्थक है उनके साथ उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, और जो ग्राम प्रधान है गांव क्षेत्रों के उनको भी उनके ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है भाजपा के नेताओं के द्वारा। उनका आरोप ये है कि भाजपा नेता पूरी तरीके से जो कांग्रेस समर्थक है उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि वो भाजपा का साथ दे और भाजपा के जो यहाँ पर प्रत्याशी है करतार सिंह भड़ाना उसको यहाँ पर वोट किया जाए। इस तरीके का दबाव जो है भाजपा के नेता यहाँ पर तमाम स्थानीय लोगों को बना रहे हैं, उसी को लेकर जो है इनका साफ तौर से आरोप है कि उनका ये भी कहना है कि अगर यदि इस तरीके के दबाव लगातार चलते रहे तो वो उग्र आंदोलन करेंगे।